अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रेन. ट्रांसलेशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे थे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं? ये वे टेंस होते हैं जिनमें हमें ये पता चलता है कि काम जो है वो शुरू तो हो गया लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो काम अभी भी चल रहा है. क्या होता है? जिस काम के बारे में बात की जा रही है वो काम अभी कंटिन्यूटी में है, वो काम ख़त्म नहीं हुआ, ऑन गोइंग पोजिशन में है. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं. सब्जेक्ट मतलब काम कौन कर रहा है. सब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि काम कौन कर रहा है. उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी होती हैं? प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, आर और एम. ये तीनों टेंसेस, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है. उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब कि क्या काम किया जा रहा है. क्या लिखेंगे हम? कि क्या काम हो रहा है या कौन सा काम हो रहा है. काम खाना खाने का हो रहा है, सोने का हो रहा है, भागने का हो रहा है या फिर बैठने का हो रहा है. जितने भी वर्ब्स हैं वो सारे क्या हैं? एक्शन वर्ड होते हैं और यही हमारे काम होते हैं. वर्ब में हम लगा देते हैं आईएनजी. आईएनजी हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि काम अभी चल रहा है, कंटिन्यूटी में है. और लास्ट में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट कि काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ. ये जितने भी क्वेश्चंस के आंसर होते हैं ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट में आते हैं. तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. मतलब जिस फॉर्म में हम वर्ब पढ़ते हैं वही वाली फॉर्म इसमें लगेगी, वर्ब प्लस आईएनजी. जैसे कि कॉल, तो कॉल को हम कॉल के फॉर्म में ही पढ़ते हैं, तो सी ए डबल एल आई एन जी, कॉलिंग. और लास्ट में लगता है ऑब्जेक्ट. अब बात करते हैं कि इज, आर, एम, ये हम कब कब लगाते हैं. ठीक है ना, कौन से सब्जेक्ट के संग हम इज लगाएंगे, कौन से सब्जेक्ट के संग हम एम आर लगाएंगे और कौन से सब्जेक्ट के संग हम एम लगाएंगे. तो जो इज होता है, ये देखिए यहाँ पर इज लिखा हुआ है, ये जो इज होता है ये होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के संग लगता है. सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारा ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगल नाउन या प्रोनाउन. सॉरी, प्रोनाउंस तो ये हो गए, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन. जैसे किसी लड़के का नाम हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई एनिमल, कोई बर्ड, कोई फ्रूट, वट एवर इट बी. तो जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम क्या लगाते हैं? उसके साथ हम लगाते हैं इज. सिमिलरली ये है आर. आर हम लगाते हैं किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. अब प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे एक तो वी आता है, यू आता है और दे आता है. उसके साथ ही जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं वे सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं. जैसे कि सिंगुलर में बॉय, तो प्लूरल में बॉयज. सिंगुलर में गर्ल, तो प्लूरल में गर्ल्स. सिंगुलर में वुमेन, तो प्लूरल में विमेन. सिंगुलर में हेल्पर, तो प्लूरल में हेल्पर्स. ये सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं? ये सारे सब्जेक्ट्स प्लूरल हैं. तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर लगेगा. अब रह गया एम. क्या रह गया? एम. तो एम तो आपको पता है कि बेचारा अकेला आई के साथ आता है. अगर आई है तो हमको एम लगाना ही है, तो हम इज नहीं लगा सकते और ना ही आर लगा सकते, क्योंकि आई के साथ हमको क्या लगाना है? आई के साथ हमको एम लगाना होता है. तो ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स. एक बार स्ट्रक्चर को दोबारा देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब हम चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ. फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, लकड़ी पानी पर तैर रही है. सेंटेंस क्या है? लकड़ी पानी पर तैर रही है. अब यहाँ पर कौन काम कर रहा है? काम कर रहा है लकड़ी. लकड़ी क्या काम कर रही है? तैर रही है. और कहाँ पर? पानी पर. तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब है हमारी है. लकड़ी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है. लकड़ी क्या है? लकड़ी है सिंगुलर सब्जेक्ट. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के संग हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं. तो लकड़ी की इंग्लिश हो गई वुड इज. अब तैरना, ये है तैरना. आप लोग कहेंगे तैरना की इंग्लिश होती है स्विम. करेक्ट,
लेकिन स्विम हम लगाते हैं लिविंग थिंग्स के साथ। स्विम हम किसके साथ लगाते हैं? लिविंग थिंग्स के साथ। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जिनमें लाइफ नहीं होती, उनके साथ हम लगाते हैं फ्लोट। क्या लगाते हैं? फ्लोट। ये अभी हम जब वर्ब्स और एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे तब लर्न करेंगे। तो तैरने की यहाँ पर हो गई फ्लोट और लगा दी आईएनजी। तैर रही की हो जाती है फ्लोटिंग, ठीक है, तैर रही फ्लोटिंग। और है की लगा दी हमने इज। अब कहाँ पर तैर रही है? पानी पर, तो ऑन वाटर। तो वुड इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर कर देते हैं, द के संग सेंटेंस अच्छा लगने लगता है। वुड इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर। तो ये हो गया इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। सेकेंड इज चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में आप ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटेंस है इस पे लकड़ी जो है पानी की सरफेस को टच कर रही थी, पानी को छू रही थी, तभी तो पानी के ऊपर तैरेगी। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि चिड़िया जो है वो पेड़ के ऊपर से उड़ रही हैं, पेड़ को टच नहीं कर रही। तो यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशन है हमारी के ऊपर, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ऑन नहीं होगी, इसकी इंग्लिश होगी ओवर। अब काम कौन कर रहा है? चिड़िया। तो चिड़िया की इंग्लिश बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब? आर। बर्ड्स आर, राइट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने लगा दिया आर। अब कौन सा काम हो रहा है? उड़ने का, ठीक है ना। उड़ने का इंग्लिश क्या होती है? फ्लाई, और आईएनजी लगा देते हैं, उड़ रही फ्लाइंग। तो चिड़िया उड़ रही हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग, इसकी इंग्लिश बन गई। अब कहाँ पर उड़ रही है? पेड़ के ऊपर, मतलब पेड़ को टच नहीं कर रही, पेड़ के ऊपर से निकल कर जा रही हैं, तो ओवर द ट्री। डिफरेंस आपको समझ में आ गया? यहाँ पर लकड़ी जो है वो पानी को टच कर रही है इसलिए हमने ऑन लगाया, और यहाँ पर बर्ड्स जो हैं वो ट्री को टच नहीं कर रही, उसके ऊपर से निकल कर जा रही हैं, इसीलिए हमने ओवर लगाया। नेक्स्ट इज राम और श्याम मंदिर जा रहे हैं। सेंटेंस क्या है हमारा? राम और श्याम मंदिर जा रहे हैं। अब ये देखिए, राम और श्याम, यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं? दो, क्योंकि काम कौन कौन कर रहा है? काम एक तो राम कर रहा है और दूसरा श्याम भी कर रहा है, तो ये हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। तो हम इन दोनों के नाम अलग अलग लिख देते हैं, राम एंड श्याम। एक बात ध्यान रखिएगा, राम का जो आर है वो तो आप कैपिटल लिखेंगे ही, श्याम का एस भी कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, भले ही ये सेंटेंस के बीच में आया है। तो राम एंड श्याम, अब ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट हो गया? प्लूरल, ठीक है ना। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के संग हम क्या लगाते हैं? आर। दो लोग हो गए, एक से ज्यादा हमारा प्लूरलिटी दिखाता है, तो हमने लगा दिया आर। अब काम क्या हो रहा है? जाने का, जा रहे, तो गोइंग। अब गो के साथ हम लगाते हैं अपनी प्रीपोजिशन टू, गो के साथ हमको टू लगाना ही होता है। तो राम एंड श्याम आर गोइंग टू द टेम्पल, खत्म सेंटेंस, राम और श्याम मंदिर जा रहे हैं। तो गो के साथ हमारा जो प्रीपोजिशन वो टू आता ही आता है, तो सेंटेंस हो गया हमारा राम एंड श्याम आर गोइंग टू द टेम्पल। फोर्थ सेंटेंस है, हिरन पेड़ के पीछे छिप रहा है। इसमें जितने भी वर्ब्स हैं वो अभी आप लोगों के लिए नए हैं, जब हम इनको वोकैबुलरी में पढ़ेंगे तो इनको आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। हिरन पेड़ के पीछे छिप रहा है, तो काम कौन कर रहा है? काम कर रहा है हिरन। तो हिरन की इंग्लिश क्या होती है? डियर। हिरन की इंग्लिश क्या होती है? डियर। अब डियर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वैसे तो डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ पर इसमें बिंदी नहीं लगी। अगर ये प्लूरल दिखाता तो ये होता हैं, लेकिन है तो नहीं, लेकिन क्या है? है। तो ये सिंगल सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगल सब्जेक्ट के संग हम लगाते हैं इज। डियर इज। छिपने की क्या होती है? छिपने की होती है हाइड, और जब ये हाइड होती है, मैंने आपको बताया था जो भी वर्ब ई से एंड होती है इसको हटाकर हम आई एन जी लगाते हैं, मतलब एच आई डी आई एन जी, एच आई डी आई एन जी, ई को हमने हटा दिया।
तो डियर इज हाइडिंग कहाँ छिप रहा है? बिहाइंड द ट्री. पीछे की क्या होती है? बिहाइंड. और ट्री में पेड़ मतलब ट्री. तो डियर इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री. लेकिन अगर यहाँ पर है होता तो सेंटेंस में चेंज कहाँ पर होता? केवल इस पर. इसकी जगह हम आर लगा देते. क्यों? क्योंकि डियर सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही टेंस दोनों ही वे में डियर ही होता है, अलग अलग नहीं होता. अब नेक्स्ट सेंटेंस है, शेर बकरी का शिकार कर रहा है. शेर क्या कर रहा है? बकरी का शिकार कर रहा है. तो काम करने वाला कौन है? लायन. तो हमने लिख दिया लायन. ठीक है. अब लायन जो है वो कैसा है? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? इज आएगी. तो लायन इज. अब क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है. शिकार करने की होती है हंट और लगा दी आई एन जी, शिकार कर रहा. इज हंटिंग किसका? द गोट. बकरी की इंग्लिश क्या होती है? गोट. तो शेर किसका शिकार कर रहा है? शेर कर रहा है गोट यानी कि बकरी का शिकार. तो सेंटेंस हो गया हमारा लायन इज हंटिंग द गोट. ठीक है. आगे देखते हैं सेंटेंसेस. मैं ठंडे पानी से नहा रहा हूँ. क्या है सेंटेंस? मैं ठंडे पानी से नहा रहा हूँ. अब बताइए नहाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ. तो मैंने लिख दिया आई. ठीक है. अब आई के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? ये तो हमें आंखें बंद करके लिखना है. प्रेजेंट टेंस में आई के साथ क्या आता है? एम आता है. तो आई एम अब क्या काम कर रहा हूँ? नहा रहा हूँ. तो बेद इंग बेदिंग. आप देखिए बेद की स्पेलिंग क्या होती है? बी ए टी एच ई. करेक्ट. तो इसमें से ई हटाकर हमको क्या लगा देना है? आई एन जी. आई एम बेदिंग. अब किससे नहा रहा हूँ? ठंडे पानी से. तो विद कोल्ड वाटर. राइट. आई एम बेदिंग विद कोल्ड वाटर या फिर हम विद द कोल्ड वाटर भी लिख सकते हैं. आई एम बेदिंग विद द कोल्ड वाटर. नेक्स्ट सेंटेंस है, वे उपहार दे रहे हैं. वे उपहार दे रहे हैं. काम कौन कर रहा है? दे वे. तो दे वे की इंग्लिश होती है दे. अब दे हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट. तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है आर. सब्जेक्ट के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है. तो दे आर. अब इसमें क्या दे रहे हैं? क्या काम हो रहा है? गिविंग. तो जी आई वी आई एन जी. अब यहाँ भी देखिए गिव की स्पेलिंग क्या होती है? जी आई वी ई. तो ई हटाकर हमने आई एन जी लगा दिया. दे आर गिविंग. क्या दे रहे हैं? उपहार. द गिफ्ट्स. दे आर गिविंग द गिफ्ट्स. अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास कि किसको दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कुछ नहीं पता. बस इतना पता है कि वे हमें मतलब वे उपहार दे रहे हैं. किसको दे रहे हैं? नहीं पता. कब दे रहे हैं? नहीं पता. क्यों दे रहे हैं? कुछ नहीं पता. तो हम नहीं है ऑब्जेक्ट तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे. दे आर गिविंग द गिफ्ट्स. खत्म. और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता कि किसको दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, तो हम इसके आगे उसको ज्वाइन कर देते. लास्ट सेंटेंस है, कपड़ा पानी को सोख रहा है. कपड़ा जो है वो पानी को सोख रहा है. तो काम करने वाला कौन है? काम करने वाला क्लोथ है. तो हमने लिख दी क्लोथ. अब क्लोथ यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर लिख दिया इज. क्लोथ इज. अब क्या काम कर रहा है? सोख रहा है. ठीक है. तो अब्सॉर्बिंग ए बी एस ओ आर बी आई एन जी. अब्सॉर्बिंग किसको सोख रहा है? पानी को. द वॉटर. क्लोथ इज एब्सॉर्बिंग द वॉटर. तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब प्लस आई एन जी और लास्ट में ऑब्जेक्ट. तो ये हमारा सेंटेंस बन गया क्लोथ इज एब्सॉर्बिंग द वॉटर. तो ये सारे सेंटेंसेस आपको अपनी फेयर नोटबुक पर लिखने हैं. ओके. गुड बाय.